मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। जिरीबाम में शनिवार को अलग अलग दो घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पहली घटना जिला हेडक्वार्टर के करीब 7 किलोमीटर दूर हुई। संदिग्ध पहाड़ी उग्रवादियों ने एक घर में घुसकर बुजुर्ग को सोते समय गोली मार दी। मृतक की पहचान कुलेंद्रा सिंघा के रूप में हुई है। वह घर में अकेले रहते थे। तो वहीं दूसरी घटना इसके बाद हुई जिसमें कुकी और मैतेई समुदाय के बीच गोलीबारी हुई। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इलाके में सुबह से लगातार गोलीबारी की खबरें आ रही हैं और मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। मणिपुर में 1 सितंबर से अब तक 7 दिनों के भीतर हिंसा की 4 बड़ी घटनाएं हुई हैं। 7 सितंबर की घटना को छोड़ दें तो अन्य 3 घटनाओं में 3 लोगों की मौत और 12 घायल हुए हैं। राज्य में तनाव को देखते हुए सभी स्कूलों कॉलेजों को बंद कर दिया गया है।